आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर इरफान है और इधर अंसारी है। इन दोनों को फुल नेम किस प्रकार से बनाइए? तो हमारा कट नेम है, आधा कटा हुआ इधर है, आधा कटा नेम इधर है। तो किस प्रकार से करेंगे? फॉर्मूला का यूज करके हम दोनों को जोड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रेस करना है, बराबर का निशान प्रेस करना है, और फिर उसके बाद इसको इरफान को नेम जो है उसको आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ग्रेट एंड देन, उसके बाद आपको करना क्या है, ये कोमा लगाना है आपको, फिर से स्पेस लगाना है, फिर से कोमा लगाना है, फिर उसके बाद आपको ग्रेटर देन, और फिर आपको अंसारी सेलेक्ट करना है, और ये सरनेम आपको सेलेक्ट करना है, एंटर करना है, और यहाँ पे फुल नेम आपका बढ़ के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ट्रैक करोगे तो नीचे यहाँ पे आ रहा है आपका फुल नेम, इरफान अंसारी अमित कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सब देख रहे हो इरफान कंप्यूटर सेंटर, आज मैं बात करने वाला हूँ एमएस एक्सेल पे। मैंने एक तरफ तो ये अपना नाम लिख रखा है, ऊपर से इधर मैंने एक सीरियल नंबर लिख रखा है, देख सकते हो यहाँ पर, एक तो नाम है ऊपर से सीरियल नंबर, यहाँ पे दोनों चीज यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। मैं आज इनको, जैसे कि आप तो लिखने पे तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दोगे, इरफान अंसारी इस प्रकार से तो आप लिख दोगे, लेकिन आज हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे और फुल नेम तैयार करके दिखाएंगे आज आपको। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक बराबर का ये साइन देना है। साइन देने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहला जो होगा वो सेलेक्ट करना है, हमने ये पहला इरफान जो पहला नेम होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पर शिफ्ट के साथ ग्रेट एंड देन ले लेना है, और उसके बाद आपको सेमी कॉलम यहाँ पे देख सकते हो इन्वर्टेड कोमा लेना है, शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कोमा स्पेस इन्वर्टेड कोमा स्पेस, फिर आपको लेना है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन लेना है, और फिर से आपको ये अंसारी यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते ही आपके सामने देख सकते हो, मैंने एक तो सिंपली करके दिखाया था आपको और दूसरा मैंने यहाँ पर इस प्रकार से करके दिखाया है। देख सकते हो इरफान यहाँ पर जो नेम था और सीरियल नंबर था, सीरियल नेम था, वो सारा चीज मेरे सामने फुल नेम बन के आ चुका है। यहाँ पे जैसे ट्रैक करोगे, यहाँ पे दिख रहा होगा प्लस का निशान आपको दिख रहा होगा, जैसे थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे प्लस का निशान दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर प्लस का निशान, यहाँ पे ट्रैक करके आपको नीचे की तरफ ले आना है, और जितने भी नाम थे वो सारे के सारे नाम मेरे जितने भी थे, वो जितने भी नाम थे उसके सीरियल सरनेम, वो सारे फुल नेम में कन्वर्ट होके आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो रोहित शर्मा, तो यहाँ पे आ चुका है हमारा रोहित शर्मा, यहाँ पे रोहित रमन कुमार, तो यहाँ पे रमन कुमार इस प्रकार से आ चुका है। और मैं आगे बताने वाला हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखा, नहीं बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, और आगे मैं बताने वाला हूँ। करना क्या आपको, कंट्रोल प्लस में ए पूरे पेज को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल वन प्रेस करना है, और यहाँ पे कस्टम सबसे नीचे आ रहा होगा आपका कस्टम, कस्टम पे नीचे आने के बाद यहाँ पे जर्नल होगा, वहाँ पे तीन सेमी कॉलम आपको यहाँ पर रखने होंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करो। एंटर प्रेस करने के बाद जो भी वर्क कर रखा हो आपने वो हाइड हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो मैं जो भी वर्क करूंगा वो सारा कुछ वर्क हाइड हो जाएगा। अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना चाहते हो तो इस प्रकार के ट्रिक का यूज करके अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँ, जो भी कुछ लिखना चाहता हूँ वो सारा कुछ हाइड हो जाता है। अगर मैं कुछ भी लिखना चाहता हूँ सब कुछ हाइड हो जाएगा आपको। अगर ठीक कैसे कर सकते हो, फिर से आपको कंट्रोल प्लस में ए आपको पूरे पेज को सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल वन, और यहाँ पर फिर से आपको कस्टम में आना है, और कस्टम में ये जो सेमी कॉलम दिख रहा है आपको, यहाँ पे सेमी कॉलम दिख रहा है, सेमी कॉलम को मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर बैक करके यहाँ पे ओके दबाऊंगा। आपने जितना भी वर्क किया होगा, जितने भी वर्क किया होगा वो सारा वर्क आपके सामने यहाँ पर आ रहा होगा, देख सकते हो यहाँ पे सारा वर्क वो आ रहा है, जितना भी वर्क आपने जो इधर उधर की जो भी मैंने टाइप करा था वो सारा वर्क आ सकता है। तो इस प्रकार से अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर सेंटर पे हो, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना चाहते हो तो इस प्रकार से देख के अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर सकते हो। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए, थोड़ा सा भी हमारा चैनल आपको पसंद आए, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों में शेयर करना।